नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड को बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर है, आप जानते हो कि जोकर कैप का की फॉर्मेशन क्या होती है। जोकर कैप की फॉर्मेशन ये होती है, ठीक है ना, इस तरह का कुछ होता है। और यहाँ पर राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस, बेस रेडियस कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट होगी और ये हाइट जो होगी वो 24 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक। हाइट, फाइंड द रेडियस। अब इसको जो फाइंड करना होगा ना, तो सबसे पहले आपको ये एल निकालना होगा। एल के लिए आप जानते हो कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तब आप यहां पर लिखोगे कि रेडियस, रेडियस ऑफ कोनिकल कैप, कोनिकल कैप इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोनिकल कैप, ये रेडियस आर हो गया, यहां पर ये एच हो गया और ये 24 सेंटीमीटर है। आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल कैप, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और फार्मूला मैंने यहां पर बता रहा कि एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच में आपके पास 24 और होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा 576, 49 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6915, 11 and 1 12, 516 और ये पूरा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। अब आप यहाँ पर लिखेंगे जो यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट फॉर वन कैप, वन कैप के लिए क्या जाएगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पर आप 7 रखेंगे और एल 25, इसको कैंसिल कर दीजिए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैप में लगेगा। अब बनाना कितना है 10 कैप्स, तो एरिया ऑफ द सीट फॉर 10 कैप्स, जो 10 कैप्स बनाने हैं तो यहाँ पर 550 × 10, आप यहाँ पर करें 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 55 यहाँ पर और 0 को आगे बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा इस कैप का। इसमें इतना ही पूछा है कि 10 कैप बनाने के लिए कितनी शीट चाहिए, तो आपका सीधा सीधा अगर लिखते तो पाई आर एल मल्टीपल बाई 10, बट आप पहले 1 का निकालिए और उसके बाद 10 का फाइंड कीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉच।